सो हेलो गाइस, इट्स मी नवदीप। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले Redmi Note 9 Pro की, देखूंगा कैसा है स्मार्टफोन। हालांकि मैंने इसको पहली बार अनबॉक्सिंग कर लिया है ऑलरेडी, वाइट वाला स्मार्टफोन था, मतलब उसे स्मार्टफोन का कलर वाइट था और ये है ब्लू कलर का। तो मैंने सोचा, मतलब स्मार्टफोन का लुक तो बहुत ही तगड़ा और ऑसम लुक है, इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं इसे फिर से अनबॉक्सिंग किया जाए। तो मैंने फिर से लाया है वाला स्मार्टफोन ब्लू कलर वाला। तो देखूंगा कैसा है स्मार्टफोन, कैसा है लुक, कैसा है इसका फीचर्स, सब स्पेसिफिकेशन आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। एंड अगर आप इसको डिस्काउंट में खरीदना चाहते हो, मतलब कम बजट में इसको खरीदना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करना होगा, चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना होगा। उसके बाद और भी एक काम करना होगा जो मैं आपको वीडियो के एंड में जाकर बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं Redmi Note 9 Pro की। चलिए देख लेते हैं क्या है बॉक्स के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स चेक व्हाट इज अंडर दिस बॉक्स। यू कैन सी मैंने रख दे हमारा स्मार्टफोन इधर। तो स्मार्टफोन को अनबॉक्सिंग करने से पहले उसका जो बॉक्स का लुक है पूरा डिज़ाइन मैं आपको बता दूंगा। तो चलो बॉक्स का थोड़ा लुक देख लेते हैं अनबॉक्सिंग का पहले। तो इधर आपको देखने के लिए मिल रहा है नंबर वन ब्रांड। तो क्या कितना नंबर वन है तो हम सब कस्टमर को ही पता होता है। उसके बाद मैंने लिया 4GB रैम और 64GB वेरियंट का स्मार्टफोन। तो हालांकि मैंने इसका अनबॉक्सिंग थोड़े दिन पहले किया था, वो वाइट कलर का था, पर ये ब्लू कलर का है, इसलिए मैंने फिर से इसका अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो इधर देख सकते हो MI की ब्रांडिंग मिलता है और मोबाइल कुछ इस टाइप का दिखने के लिए होगा। तो इधर दिख रहा है Redmi Note 9 Pro लिखा हुआ है और इधर एक क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G, मतलब एक गेमिंग प्रोसेसर है इसके अंदर। तो इधर आपको Redmi Note 9 Pro दिखने के लिए मिलता है, इस साइड में भी Redmi Note 9 Pro और ऊपर के साइड में कुछ डिस्क्रिप्शन दिखने के लिए मिलेगा आपको। तो इसको आप स्क्रीनशॉट करके भी पढ़ सकते हो या तो मैं वीडियो में आगे भी बता दूंगा। तो पीछे के साइड में आपको और भी कुछ डिस्क्रिप्शन दिखने के लिए मिल रहा है, आप लोग देख सकते हो बहुत कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा है इसके पीछे। तो चलो फटाफट से बॉक्स को मैं इसको निकालता हूँ, फिर आप देखते हैं कैसा है स्मार्टफोन वगैरह वगैरह वगैरह। तो इधर आपको एक्स्ट्रा बॉक्स मिलता है, तो बॉक्स बहुत टाइट है दोस्तों। फाइनली बॉक्स निकल गया और इसके अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा मैं बताता हूँ। इधर आपको मिलेगा सिम इजेक्टर टूल, उसके बाद इसके यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रियल मतलब MI की तरफ से कुछ ज्ञान आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो इस पैकेट के अंदर एक TPU केस मिलेगा जो कि एक ट्रांसपेरेंट केस है एंड बहुत ही हार्ड केस है। तो चलो अब इसका ये सब स्टिकर मिलता है। तो उसके बाद आता है हमारा स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन के मैं बाद में बोलता हूँ। उसके बाद फिर से कागज़, तो इधर आपको देखने के लिए मिलता है एक एडाप्टर जो कि आपका स्मार्टफोन को चार्ज करने वाला है, बहुत ही फास्ट एडाप्टर है। उसके बाद आपको मिलता है एक केबल चार्ज करने के लिए ऑब्वियसली। तो ऐसा है बॉक्स के अंदर, फिर तो हो गया बॉक्स हमारा खाली। तो उसके बाद आता है हमारा स्मार्टफोन। तो एक कलर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, देख सकते हो आप लोग कलर बहुत ही मस्त लग रहा है ये वाला कलर, एंड इसलिए मैंने फिर से इसका अनबॉक्सिंग किया। तो चलो इसको मैं इसको ऑन करता हूँ, उसके बाद मैं सेटअप करने के बाद इसका स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। उसके पहले इसके पोर्ट्स पॉइंट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इधर आपको मिलता है कुछ साउंड स्पीकर, इधर आपको मिलता है चार्ज करने के लिए जगह, इधर आपको ऑडियो जैक मिलता है, इस साइड में देख सकते हो सिम लगाने के लिए एक जगह, और इधर दोनों माइक आपको देखने के लिए मिलता है। इस साइड में आप लोग वॉल्यूम अप डाउन की बटन मिलता है और ये है फिंगरप्रिंट सेंसर और पावर बटन। तो ऊपर के साइड में आपको एक छोटा सा कैमरा मिलता है जो है फ्रंट कैमरा, एंड देख सकते हो हमारा स्मार्टफोन हो गया है ऑन। तो अब इसको मैं फटाफट से सेटअप करूँगा, सेटअप करने के बाद मैं आपको फिर से अनबॉक्सिंग करके अनबॉक्सिंग बार बार बोलता हूँ इसको मैं फुल स्पेसिफिकेशन आपको आगे बता दूंगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने इसको सेटअप कर लिया है। तो चलो अब इसका मैं फुल स्पेसिफिकेशन आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। तो चलो इसका जो आप लोग देख रहे हो इतना बड़ा डिस्प्ले, वो है 6.67 इंचेस का आपको एक डिस्प्ले मिलता है इसके अंदर। उसके बाद इसका जो प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G, एक गेमिंग प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिलता है इसके अंदर। उसके बाद इसका जो फ्रंट में एक कैमरा है, किधर गया, हाँ भाई ऊपर है छोटा सा कैमरा वी के अंदर, वो है 16 मेगापिक्सल का कैमरा, एंड पीछे आपको देखने के लिए मिलता है 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5+2 मेगापिक्सल की कैमरा। इसका रैम है 4GB का रैम एंड इसका स्टोरेज है 64GB। तो इसके अलावा 8GB का वेरियंट भी आप लोग चाहो तो वाला भी ले सकते हो। एंड ये वह है ब्लू कलर का, इसके पहले मैंने वाइट कलर का अनबॉक्सिंग किया था थोड़े दिन पहले, आप लोग मेरा पीछे का वीडियो जाकर देख सकते हो अगर नहीं देखे हो तब।
इसका जो बैटरी है वह 5020 mAh का बैटरी देखने के लिए मिलता है इसके अंदर, इसलिए मोबाइल हल्का सा मोटा है पर हल्का सा मोटा है पर उतना भारी नहीं है वाला स्मार्टफोन। तो उसके बाद इसका जो OS वर्सन है वो आपको देखने के लिए मिलता है एंड्रॉयड वर्जन 10 इसका OS वर्सन, एंड इसका जो बहुत ही अच्छा सा क्वालिटी है एंड इसका आपको प्राइस कितने का पड़ेगा यह है मेन बात। इसका प्राइस आपको मिलेगा 13,999 मतलब 14,000 rupees। और अगर आप इसको डिस्काउंट में खरीदना चाहते हो तो किधर से खरीदोगे? स्क्रीन में मैंने पिक्चर शो किया देख सकते हो शायद, तो स्क्रीन में एक नंबर भी है, आप लोग चाहते हो इसको दुकान से कांटेक्ट करके खरीद सकते हो। इसी दुकान से मैंने इस मोबाइल को खरीद कर लाया आपको अनबॉक्सिंग दिखाने के लिए, आप लोग चाहते हो इसी दुकान से कांटेक्ट करके खरीद सकते हो। बस आज के लिए इतना है, मुलाकात होगी कल के एपिसोड में। आज के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर।